देवास शहर की एक महिला का बेजुबान पशुओं से प्रेम वाकई ताज्जुब की बात है। शहर के एमजी रोड पर कोतवाली थाने के सामने रहने वाली उद्योगपति परिवार की बिजनेसमैन महिला रूपा पटवर्धन बचपन से ही खिलौनों की जगह डॉग, बिल्ली, मुर्गी से खेलती थी। वही महिला ने शहर से 5 किलोमीटर दूर चंदाना में 44,000 स्क्वायर फिट पर डॉग हाउस बनाया है। इस डॉग हाउस में करीब 230 डॉग रहते हैं। रूपा पटवर्धन 23 वर्षों से इन डॉग का पालन पोषण कर रही हैं। इन डॉग्स पर 1 महीने का 1.5 लाख रुपए खर्च होता है। तो शौक तो ये मुझे, मैं ये काम इनकी जो सड़क पे बेसहारा बेघर जो रहते हैं डॉग्स, उनके लिए मैं पिछले 23 साल से काम कर रही हूँ। क्योंकि इनका कोई देखने वाला नहीं होता, इनको रोटी भी तो नसीब नहीं होती। इनको अगर लग जाती है तो ये तो बेचारे तड़प तड़प के ही मर जाते हैं। इनका इलाज भी बहुत कम लोग कराते हैं, हालांकि अब अवेयरनेस बढ़ रहा है लोगों में इस चीज़ का, पर पहले तो कोई भी नहीं होता था। तो ये काम देवास में तो मैं पिछले 11-12 साल से कर रही हूँ, और ज़्यादा 2007 में मैंने पहली बार देवास में नसबंदी का कैंप किया था। यूके से, लंदन से मेरी एक फ्रेंड आई थी वनेसा वेट करके, वो एक सर्जन है वेटरनरी। तो मेरी पुरानी इंडस्ट्रियल फैक्ट्री थी, वहाँ पे हमने नसबंदी का कैंप किया था। 15 दिन कैंप किया था और हमने करीब करीब 50 कुत्ते न्यूट्रल किए थे उस टाइम। अभी कितने